गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज एक्टिवेशन एनर्जी. तो बिफोर डिस्कसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वी डिस्कस अबाउट द थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव. कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वो एनर्जी जिसके उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन कैसा हो, इफेक्टिव कॉलिजन हो, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी. मींस जो कैसा कॉलिजन करवाए, इफेक्टिव कॉलिजन करवाए, तभी क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी, वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी बाय दिस ग्राफ. दिस इज द ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट. आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, ई आर क्या है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. क्लियर है, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे ईपी क्या है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. ये आपके पास एनर्जी बैरियर है. जब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होगी तभी वो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, तभी किसमें जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे. और जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी इवॉल्व करेंगे. नाउ तो ये आपके पास एनर्जी बैरियर है, ईटी क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी. मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. मान लो आपके पास जो ईटी है वो है 100 किलो जूल. मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, 100 किलो जूल है. जो आपके पास एनर्जी बैरियर है वो कितने का है, 100 किलो जूल. और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, हमने इज्यूम किया है कि इसकी 30 किलो जूल. तो रिएक्टेंट कितनी एनर्जी को और चाहिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए. तो जितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब, देखो इनकी 30 तो खुद की है और ये एनर्जी बैरियर है 100 का, तो 100 माइनस 30 करेंगे तो इनको कितनी एनर्जी चाहिए, 70 किलो जूल एनर्जी चाहिए. तो 70 किलो जूल जो एनर्जी ये एब्सॉर्ब करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी अब्सॉर्ब सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितनी अमाउंट में एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, कि उनकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए. तो जितनी एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब करी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी हम बोलते हैं. तो ये जो एनर्जी बैरियर होगा यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं. तो कोई भी आपके पास रिएक्शन है, जैसे आपके पास ये एक रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले आपके पास क्या बनेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनने शुरू होते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और इसके बाद क्या बनेगा आपके पास, प्रोडक्ट बनता है. तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने में जितनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं हम उसको ही क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करे ताकि उनकी जो एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल हो जाए. तो जितनी एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब की है उसको हमने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी. या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. मीन्स डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. और एक बार जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए, एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया, उसके बाद ये क्या बनते हैं, प्रोडक्ट. तो तब ये क्या करते हैं, एनर्जी इवोल्व करते हैं. यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी इवोल्व, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स. क्लियर है, तो ये है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी.
नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें मैंने एक टेम्परेचर बताया था। टेम्परेचर जो फैक्टर है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज, एंड एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो इस ग्राफ की हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके एक ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बिटवीन, तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो पी क्या है, टेम्परेचर टी पी है, तो इसके अकॉर्डिंग एट टेम्परेचर टी मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास टी टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो इस टी टेम्परेचर के ऊपर ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, इतने मॉलिक्यूल्स, ये हो गया आपके पास ए बी सी टी, इतने मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ है, कॉलिजन कैसा हुआ है, इफेक्टिव हुआ है, और वो किसमें कन्वर्ट हुए हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। बट जब मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मींस 298 में 10 अगर हम ऐड करते हैं, 298 केल्विन के अंदर जब आप 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 308 केल्विन हो जाएगा। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर ऐड करते हैं तो ये जो आपके पास पहले तो इतने मॉलिक्यूल्स थे, अब ये यहां से लेकर यहां तक ये जो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि इनके बीच में जो इफेक्टिव कॉलिजन है, ये क्या कर जाएगा, नियर अबाउट क्या हो गया, डबल हो गया, जिसके कारण आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डबल। कि पहले टी टेम्परेचर के ऊपर आपके पास ए बी सी डी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, इफेक्टिव कॉलिजन था, एंड टेम्परेचर टी के ऊपर ये इतने ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, इस ए बी सी डी पोर्शन के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, इफेक्टिव कॉलिजन था। बट जब आपने इसके अंदर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो अब आपके पास ये जो पोर्शन हो जाएगा ए बी ई और एफ, ए बी ई एफ, ये जो पूरा पोर्शन है, ये और ये दोनों मिलाकर नियर अबाउट ये डबल हो जाएगी। इतने मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा होता है, ये इफेक्टिव कॉलिजन होता है। तो ये जो कंप्लीट पोर्शन है, ये क्या, नियर अबाउट डबल है इसके। अगर हम कंप्लीट पोर्शन देखें तो नियर अबाउट इस पोर्शन के क्या है, डबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन को, 10 डिग्री सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो नियर अबाउट डबल ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड इफेक्टिवली एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेज, इज नॉट ओनली ड्यू टू increases the total number of collision, but increase the total number of the effective collision. Means, rate of reaction increase with increase in temperature, is not only due to increase total number of collision, but due to increase number of effective collision. देखो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कॉलिजन इंक्रीज करता है, बट अकेला कॉलिजन इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कॉलिजन कैसे नहीं होगा, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा, तब तक क्या नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो इस टाइप से जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, तो
अगर ये केस देखें तो हम क्या देखते हैं कि अगर आपके पास कोई टेम्परेचर टी है, टी के ऊपर आपके पास ए बी सी डी ये जो पोर्शन है नीचे वाला, इतने ही जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन कर पाए हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं। पर जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर हमने इसमें इंक्रीज कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था नियर वो डबल हो गए। अगर पहले टी टेम्परेचर के ऊपर 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कोलाइड कर रहे थे इफेक्टिवली, तो अगर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपको मॉलिक्यूल्स की नंबर कितने हो गए, 20 हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि अगर टेम्परेचर टी के ऊपर अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, हमने एज्यूम किया, पर जब आपने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, डबल हो गए। पहले 10 थे, हम नियर अबाउट कितने हो गए, 20 हो गए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अगर 298 केल्विन के ऊपर 10 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं तो 308 पे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कॉन्स्टेंट। इट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द आर्गेनियस इक्वेशन कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट कॉन्स्टेंट मीन्स के ऊपर, ये हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द आर्गेनियस इक्वेशन। दिस इज द आर्गेनियस इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसके अंदर k रेट कॉन्स्टेंट है, a आपके पास आर्गेनियस कॉन्स्टेंट, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर है और आर के आपके पास कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे ऑन द रेट कॉन्स्टेंट। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, अब बोथ साइड लॉगरिथम लगाएंगे तो ये बन जाएगी आपके पास नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी, क्योंकि ये m इंटू एन है तो ये हो जाएगा m प्लस n। और एक्सपोनेंशियल का जब आप लॉग लगाते हैं तो एक्सपोनेंशियल कट जाता है, जो पावर में होता है नीचे आ जाता है और ये हो गया माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम इस इक्वेशन को दो टेम्परेचर के लिए हम बनाएंगे, जब आपके पास टी वन है तो आपके पास रेट कॉन्स्टेंट के वन होगा और जब T2 है तो रेट कॉन्स्टेंट होगा K2। तो इन दो टेम्परेचर के लिए हम इसको लिखेंगे एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2 नेचुरल लॉग K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस ई ए बाय आर T1। नेक्स्ट नेचुरल लॉग K2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस ई ए बाय आर T2। ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड है। तो आप इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से सबट्रैक्ट माइनस कर देंगे सेकंड को, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास कट जाएगा, ये आएगा नेचुरल लॉग के टू माइनस नेचुरल लॉग के वन इज इक्वल टू, इसमें आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस ई ए बाय आर टी टू माइनस माइनस ए बाय आर बी वन। नाउ लॉग एम माइनस एन लॉग एम बाय एन नेचुरल लॉग के टू बाय के वन इज इक्वल, आप इसमें से कॉमन ले लेंगे ई ए बाय आर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाय टी वन माइनस हो जाएगा वन बाय टी टू, ये वन बाय टी टू ये वन बाय टी वन। फिर होगा आपके पास नेचुरल लॉग के टू बाय के वन इज इक्वल टू ई ए बाय आर और इसको आप एलसीएम ले लेंगे टी वन टी टू, ये आएगा टी टू माइनस टी वन। तो आपको मैंने आपको पता है नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है 2.303 एलर्जी लॉग से नेचुरल लॉग गई है तो ये हो जाएगा। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2.303 log k2 by k1 is equal to ea by r और ये आ जाएगा t2 minus t1 divide by t1 into t2। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, ये आर्गेनियस इक्वेशन है, इसको लॉगरिथम किया ऑन बोथ साइड, फिर हम इस इक्वेशन को टू टेम्परेचर के ऊपर लिखा
T1 एंड T2, तो K1 पे टेम्परेचर T1 है, K2 पे टेम्परेचर कितना है T2, फिर हमने थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, तो आएगा आपके पास नेचुरल लॉग K2 माइनस में K1 आ गया, ठीक है, और आपके पास माइनस EART2 माइनस आपके पास आ गया माइनस EA/RT1। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट नेचुरल लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA/RT2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1/T2। फिर हमने क्या किया, नेचुरल लॉग की यहाँ पे क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी और ये इक्वेशन आई। इसके बाद इसको यहाँ लिख लेंगे लॉग K2/K1 इज इक्वल टू 2.303 को इधर ले जाएंगे इसके नीचे, ये आ गया EA/2.303 आर T2-T1 divided by T1 into T2। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जिसके हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के माइनस EA/RT, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ नेचुरल लॉग की वैल्यू रख दे, 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस EA/RT। फिर क्या करें आप 2.303 को इधर ले जाए, डिवाइड कर दे, यहाँ बचेगा लॉग ए इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा लॉग ए और माइनस EA/2.303 ये आ गया। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, log k इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 आर इंटू 1/T प्लस log a, ठीक है। तो हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं 1/T और log k के वर्सेस, तो आप क्या देखेंगे कि जब 1/T इंक्रीज करेगा तो log k का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मीन्स y इज इक्वल टू mx+c। इसके अंदर m क्या होता है, स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस EA/2.303 r। तो इफ इन क्वेश्चन स्लोप इज गिवन, देन यू विल कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ये फार्मूला भी याद करना है, कई बार आपके उसमें एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में भी है, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्लोप गिवन होता है, तो आपने एक्टिवेशन एनर्जी क्या कैलकुलेट करनी होती है, तो इस मेथड से बिल्कुल सिंपल है। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपने क्या देखा कि 1/T जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आपके पास लॉग के की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिग्री की स्ट्रेट लाइन आती है और उसका स्लोप है माइनस EA/2.303। तो इससे नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस फॉर्मूले के बेस, ठीक है।